आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं प्रभा राघव यूपी की रहने वाली हूँ और सुबह हो चुकी है। मैं बिस्तर तय कर रही हूँ। मैं बिस्तर की तय बना रही हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाए तो मेरे को और भी काम करना है। मैंने कैमरा रख दिया है एक जगह और मैं अपना बिस्तर ठीक कर रही हूँ। और बच्चे सोए हुए हैं, बच्चे सो रहे हैं तो मैंने अभी किसी की मदद नहीं ली है कैमरा पकड़ने के लिए। मैं एक जगह रख के ही वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा ठीक से वीडियो नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। रात को थोड़ा सोने के बाद थोड़ा ऐसा सुकड़ा सुकड़ा सा हो जाता है ना ये चादर, तो उसको मैं झाड़ रही हूँ। चलो चलते हैं। अभी ये चेयर वगैरह, रात को टीवी देखते हैं बच्चे, तो सारी ऐसे ही पड़ी हुई हैं तो मैं इनको लगा रही हूँ ठीक जगह पे। और इधर भी मैंने कैमरे को टेबल पर रख दिया है। मैं और मेरे हस्बैंड भी जगे हैं सुबह में और बच्चे सो रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं वॉकिंग करने, तो मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर दूं। पूरा सामान बिखेर रखा है बच्चों ने, चप्पल वगैरह ऐसी डाल रखी हैं। मैं झाड़ू लगा रही हूँ लेकिन थोड़ा इधर उधर हो रही हूँ, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है इस टाइम, अपने आप से करना पड़ रहा है मुझे। मैं अंदर गई हूँ रूम में और उधर थोड़ा दुपट्टा लिया है मैंने, दुपट्टा लेना भूल गई थी मैं। और रूम में भी झाड़ू लगा के लाई हूँ मैं, और एक रूम बाहर है उसमें भी लगा रही हूँ। अभी मैं बैठी हूँ टेबल के नीचे से झाड़ू लगा रही हूँ, टेबल के नीचे भी कचरा हो जाता है। सुबह सुबह जगने का कुछ अलग ही वो है, अलग ही मज़ा है। सुबह सुबह जगने से क्या है, जल्दी काम भी हो जाता है और थोड़ा टाइम भी बच जाता है अपना। अभी ये बाहर वाले रूम में जा रही हूँ, बच्चे सोए हुए हैं, रात पढ़ाई की थी तो उधर ही बैग वगैरह रख दिए इन लोगों ने,
कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है, इसीलिए मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है पीछे मुड़ मुड़ के। और आगे तो कैमरा में कोई होता तो आगे से पकड़ता, लेकिन मेरे को टेबल पर रख के ही वीडियो बनानी पड़ रही है। मुझे भी नहीं ऐसा अच्छा लग रहा है कि आगे से वीडियो बननी चाहिए, लेकिन वो टेबल से ही बन रही है। मैं बालकनी में आ गई हूँ, बालकनी में सारा कचरा वचरा निकाल के डाल रही हूँ। सुबह हो रखी है और ठंडी हवा चल रही है बाहर, बहुत अच्छा लग रहा है। और चलो चलते हैं, अभी पानी आ रहा है तो मैं कपड़े धुलने डाल रही हूँ, क्योंकि पानी की वजह से कपड़े लेट हो जाएंगे चला गया तो, इसीलिए मैं कपड़े धुलने डाल रही हूँ, क्योंकि पानी आता रहेगा तो जल्दी जल्दी कपड़े भी धुल जाएंगे। बाद में धुलूँगी तो पानी चला जाएगा, इसीलिए अभी डाल दूँ। अभी मैंने मशीन लगा दी है कपड़ों के लिए, और वो सर्फ भी ख़त्म हो गया तो उसका पैकेट डालने जा रही हूँ, दूसरा लेके आऊँगी। अभी मेरे को नहाने भी जाना है, पोछा वोछा लगा के नहाने जाना है मेरे को भी। मेरे को सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि मैं काम कर पा रही हूँ अच्छे से, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड गए वॉकिंग करने, तो मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ। रात के 2-3 बर्तन बच गए, उनको धुल दूँ। और रात को ही मैं किचन पूरा साफ करके सोई थी, अभी मैंने पानी फिल्टर कर दिया है। और देखो पानी आ रखा है तो जल्दी जल्दी बर्तन भी धुल जाएंगे, फटाफट फटाफट हो जाता है काम पानी आने से। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा नहीं दिख रहा है सीन, तो वो मैंने ऐसे ही रखा है, स्लिप पे रख दिया है ऐसे ही गैस के पास, तो इसलिए पूरा नहीं दिख पा रही हूँ मैं। अभी जल्दी जल्दी मेरे बर्तन भी हो रहे हैं, अभी बर्तन धुल के मैंने स्टैंड में लगा दिए। अभी जो बर्तन इसे साफ करते हैं, इसको मैं धुल के रखती हूँ, इसको ऐसे ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें बदबू आ जाती है। मैं साबुन को भी धुल के रखती हूँ, इसको भी, तो मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। और मैंने बर्तन मांजने वाला भी धो के रख दिया साफ करके, अभी चलते हैं इसको साफ़ कर दें। ये थोड़ा साबुन सा हो रखा है, इसको वाइपर से खींच रही हूँ मैं, इससे सही से खींच जाता है पानी।
इसको भी धुल के रख दिया है मैंने, और साबुन लेके मैं अपने हाथ मांज रही हूँ क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद मैं साबुन से हाथ साफ़ करती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि बर्तन मांज के हाथ भी साफ ना करो, ये चीज़ ठीक नहीं है। अभी मैंने हाथ साफ कर लिए और मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मेरे को नाश्ता बनाना है। तो मैंने भगोना को निकाला है, नीचे बर्तन रखे हुए हैं उसमें से, और मैं इसमें दूध डालूंगी। कैंची से इसको काट दिया है और इसमें भगोने में दूध को डाल दिया है मैंने। एक लीटर दूध गर्म किया है मैंने। अभी दूध गर्म करने रख दिया है मैंने, गैस चला दी है और इसको ढक देती हूँ। गैस कर दी है मैंने कम, अभी वो जो दूध की पॉलीथीन थी उनको डाल के मैं आ गई हूँ। अभी चलते हैं, अभी टेबल पर फिर से आ गए हम। तो टेबल पर रख दिया मैंने फ़ोन और जो दूध बचा था वो रख दिया फ्रिज में। तो अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा बाहर सीढ़ी वगैरह गंदी हो रखी है तो उनको मैं कर दूँ साफ, पानी से धुलना है उनको। तो मैंने अभी चेयर पर रख दिया है फ़ोन और अपना काम कर रही हूँ मैं। एक बकेट पानी ले लिया है मैंने, झाड़ू से धुलने जा रही हूँ। पूरा मतलब बारिश वगैरह हो रखी है ना, तो जूते वूते पहन के आते हैं तो उससे क्या है मिट्टी हो जाती है सीढ़ियों पे, तो मैं उसको धुल रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए वो। और मैं धो दिया मैंने बाहर, और चप्पल भी मैंने अंदर हाथ में लेके आ रही हूँ क्योंकि मिट्टी ना आए। तो अभी मैंने फ़ोन रख दिया है टेबल पे दोबारा से और मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। नहा लिया है मैंने और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया खिचड़ी, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और नहा के तैयार हो चुकी हूँ मैं, तो आप भी ब्रेकफास्ट कर लो। नहा धो के एकदम रेडी हूँ मैं। और आप भी खिचड़ी खा लो, इंजॉय करो मेरे साथ, नाश्ता खा लो। अभी आ गए हम किचन में, तो किचन में बनाई है मैंने खीर बनाई है चावल और दूध की। खीर भी कई तरह की बनती है ना, इसीलिए बता रही हूँ मैं, चावल की बनाई है मैंने क्योंकि साबूदाने की भी खीर बनती है, ठीक है। खीर बहुत तरह की बनती है,
और मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मेरी खीर बन चुकी है और सब्ज़ी भी थोड़ी सी कच्ची सी है, थोड़ी बनने ही वाली है। तो मेरा खाना बन के रेडी हो गया, अभी रोटी बनाऊंगी मैं। जब सब लोग खाएंगे जब बनाऊंगी रोटी, अभी कोई नहीं खा रहा है तो मैं इसीलिए नहीं बना रही हूँ। बच्चे देख रहे हैं टीवी, ये मेरे बड़ा वाला लड़का है, ये है छोटे वाला, तो अभी ये देख रहे हैं कुछ कार्टून वगैरह देख रहे हैं। La namaya.